ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह। आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या कोई अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो है उसका रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ा। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के बारे में पढ़ा। आज हम लोग है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे जैसे कह सकते ना, रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर्ड एक्ट आया, तो इस चार्टर्ड एक्ट के क्या फीचर्स हैं इसके बारे में जानेंगे। और ये हम टोटली जो है उठाए हैं लक्ष्मीकांत के एज ए रेफरेंस बुक के तौर पे। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कि इट्स सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। देखिए, इसके पिछले चार्टर्ड एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थे वो सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को के हाथों में दे दिया गया था। तो अब जो क्या है कि इनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव मतलब है विधायिक, जो कि विधायिक मतलब कहने का मतलब आज लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है भारत का, लेजिस्लेटिव बॉडी हमारा पार्लियामेंट है जो कि विधायिक कार्य करती है, मतलब नियम कानून को फ्रेम करती है, उसे बनाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूट मतलब कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना, उसका क्रियान्वयन करना, उस मतलब को बनाए गए नियम का उसका पालन करवाता हो, उसका एक्सक्यूटन मतलब इंप्लीमेंटेशन। तो जो है गवर्नर जनरल काउंसिल्स का और गवर्नर जनरल के अंदर में हाथ में जो पावर था उस पावर्स का सेपरेशन किया गया। कहां? तो लेजिस्लेटिव बॉडी और एक्सक्यूटिव पावर दोनों में जो है सेपरेट करके जो है अब इसे रखा गया। और वह इसलिए किया गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको जैसे कोई भी ऑल ओवर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन बनाना और चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्य है, तो उसमें जो है उस समय मतलब 1853 के समय जो गवर्नर जनरल जो थे उनके हाथ में बहुत अधिक शक्ति थी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए 6 मेंबर बॉडी बनाया गया जो कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे इंट्रोड्यूस किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया कह सकते हैं या फिर सेंट्रल पार्लियामेंट कह सकते हैं, मिनी पार्लियामेंट कह सकते हैं, मतलब एक सेंट्रल लेवल पर, एक केंद्र लेवल पर जो है एक मिनी पार्लियामेंट पर इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और मिनी पार्लियामेंट जो है इस्टेब्लिश किया गया, जो कि जिसमें कि 6 मेंबर्स हुआ करते थे, मतलब 6 मेंबर्स होते थे, और उस 6 मेंबर्स में 4 मेंबर्स जो है इंडियंस जो है प्रोविजन से मतलब इंडिया को, इंडियंस को लिया गया। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि संसद की जो रूपरेखा थी वो यहां इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार कि कैसे संसद जो है विधायक कार्य को करेगी, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को करेगी। पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल के 2-4 जो मेंबर्स थे जो काउंसिल में, वही जो है नियम भी बनाते थे और उसे इंप्लीमेंट करते थे। अब क्या होगा कि एक स्पेसिफिक 6 मेंबर्स की बॉडी, मतलब 6 लोगों की जो है एक बॉडी जो रहेगी वह विधायक कार्य करेगी, लेजिस्लेटिव कार्य को करेगी, और उसमें कुछ इंडियंस को भी इंक्लूड करने का प्रयास किया गया। तो एक प्रकार से सेंट्रल लेवल पे जो है एक पार्लियामेंट और मिनी पार्लियामेंट की स्थापना कह सकते हैं। अगला जो है कि सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडिया, हम लोगों ने चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 में ही पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है सिविल सर्विसेज जो है ओपन किया गया इंडियंस के लिए, लेकिन फिर सभी पदों पे लिए, मतलब सभी पदों पर, लेकिन उसे फिर वापस ले लिया गया ड्यू टू अपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपोजिशन के बाद उसे फिर विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन सिविल सर्विसेज जो है अब तमाम जो है इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया और एक कमेटी बैठाई गई, मैकुली कमेटी। ठीक है, मैकुली कमेटी ऑफ 1854 में मैकुली कमेटी, ठीक है, जिन्होंने सिविल सर्विसेज से संबंधित अपने रिपोर्ट्स दिए। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के बारे में जो है इस चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 में जो है इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आगे है एक्सटेंडेड कंपनी रूल, और कंपनी रूल को एक्सटेंड किया गया। जैसे देखिए, कंपनी रूल कौन चला रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, किसके कहने पर चला रहा था और किसके ऑर्डर्स और पावर से चला रहा था, तो ब्रिटिश या फिर क्राउन या फिर वहां की जो महारानी थी उनके, कह सकते हैं कि एक मोनोपोली होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया से ट्रेड करेगी। तो एक्सटेंड किया गया कंपनी रूल को भारत में। पहले क्या होता था कि कंपनी रूल को भारत में जब ट्रेड करने के लिए, शासन करने के लिए जब एक्सटेंड कर दिया गया था, तो एक एक एक, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब उसको देता था टाइम लिमिट की 10 साल आप करेंगे या फिर 20 साल के लिए आपको एक जो है एग्रीमेंट होता था। लेकिन इस बार क्या किया गया, मतलब एज ए ट्रस्ट के रूप में, ब्रिटिश क्राउन का पहले ही बताया कि इसे ट्रस्ट के रूप में बना दिया गया था। ठीक है, तो उसमें है कि नॉट स्पेसिफाइड द टाइम लिमिट। इस बार क्या किया गया, एक्सटेंड तो किया गया, कंपनी रूल को एक्सटेंड किया गया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट नहीं दिया गया।
टाइम लिमिट मतलब आपको 10 साल 20 साल इसकी कोई टाइम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, वह इसलिए क्योंकि इट कुड बी टर्मिनेटेड एनी टाइम बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस कंपनी रूल को कभी भी खत्म किया जा सकता था, कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता था, इसको लेकर जो है कोई भी टाइम लिमिट सेट नहीं किया गया, ठीक है, इट्स चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 में। आगे है लोकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने पहले ही बताया कि 6 मेंबर की बॉडी में जो है 4 मेंबर्स जो है इंडियंस थे, ठीक है, तो इंडियंस की इसमें नियुक्ति की गई, तो आउट ऑफ द 6 4 वेर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंस, 4 जो है लोकल प्रोविंस से मद्रास मुंबई बंगाल और आगरा से लिया गया, ठीक है, तो एक मिनी पार्लियामेंट यहां एस्टेब्लिश होता है। आज हम जो पार्लियामेंट की रूपरेखा देख रहे हैं, जो विधायक कार्य करती है, जो नियम कानून को बनाती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो बॉडी है उसकी स्थापना एक तरह से कह सकते हैं कि 1853 में लिया गया, जिसमें कि इंडियंस को भी इंक्लूड किया गया और डिफरेंट प्रोविंसेस से, जैसे आज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसी समय 4 ही लिया गया था, लेकिन वो डिफरेंट प्रोविंसेस से और वो नॉमिनेट किया गया था, कोई इलेक्टेड मेंबर्स थे नहीं, तो नॉमिनेट और अपॉइंट किया गया था इनको एक लोकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, मतलब लोकल वाले भी जो है हमारे काउंसिल में है, ठीक है, तो ये सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल स्पेसिफिकली, ये जो है इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें यही है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग जैसे जैसे भी और पढ़ेंगे किस प्रकार से क्यून प्रोक्लेमेशन जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो एक्ट आता है 1858 का एक्ट, इसके बारे में अगला वीडियो होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, कोई क्वेरीज कोई कमेंट कोई सजेशन एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।